ये हमारे पैसे से रोड बना हुआ है, हालांकि अगर हमने टैक्स दिया है तो बना हुआ है रोड, विदाउट टैक्स के तो बना नहीं है। सरकार अपने घर से तो पैसा ला के दे नहीं रही है, हमारे जेब से जा रहा है, हमारे जेब से जा रहा है, हमारे जेब से गया है पैसा, हमारे लोगों से गया है पैसा, तमाम भारतवर्ष के लोगों से गया है पैसा, तब यहाँ पर रोड बना हुआ है। नमस्कार, देख रहे हैं नागनीतक न्यूज़ चैनल। यहाँ से ला के दिखाइए इस गड्ढे को, यहाँ पर गड्ढा है। अभी एक व्यक्ति यहाँ से एक्सीडेंट होने से बचा। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गड्ढा है, और गड्ढे के वजह से हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की, इसलिए क्योंकि यहाँ से एक बाइक सवार जा रहा था, तभी एक्सीडेंट होने से इसमें से बचा। पर यहाँ से तमाम लोग जा रहे हैं हाईवे पे, तमाम गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें किसका एक्सीडेंट होगा किसका नहीं होगा, कितने लोग एक्सीडेंट हो गए होंगे शायद। अगर इस गड्ढे को देख कर, इसे दिखाइए, इस गड्ढे को देख कर अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो इससे कितने लोग एक्सीडेंट हो भी गए होंगे। तो हम कुछ करेंगे नहीं, छोटा सा हम इसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, हम इसे भरने की कोशिश करते हैं। आप पकड़िए, पकड़ ले। हमने गड्ढा तो भर दिया, यहाँ से तमाम आ रही हैं जा रही हैं गाड़ियाँ, देखिए अब अच्छे से जा रही हैं, अच्छे से जा भी रही हैं। देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे गड्ढे में मिट्टी भरने की, हमने मिट्टी भरा और इसमें से गाड़ियाँ जाने भी लगी और अच्छे तरीके से जा रही हैं। यहाँ पे मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, यहीं से ठोकर ही है, ठोकर टाइप का है। इसमें से कितने लोग एक्सीडेंट होने से बचे होंगे, फिर भी अगर यहाँ से हम जा रहे थे तो जो एक्सीडेंट होने से बचा लड़का, वो भी इसे देखिए, वो भी इसे भरने की कोशिश नहीं किया, वहाँ पे गया और गिरते गिरते बचा और फिर रिटर्न होकर चला गया। उस व्यक्ति को ये नहीं लगता कि ये रोड भी हमारे पैसों से बनाया जा रहा है, हमारे टैक्स से बनाया जा रहा है, टोल टैक्स देते हैं इस चीज़ से बनाया जा रहा है। उन्हें लगता है कि ये सरकार की प्रॉपर्टी है और सरकार जो चाहेगी सरकार करेगी, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं है। हमें यहाँ पर भर तो दिया है, पर बारिश होते ही कोई आएगा, फोर व्हीलर लेके आएगा, इसमें से लेकर जाएगा, लेकर आएगा, पानी भरते ही ये ख़त्म हो जाएगा। पर हम रोज़ रोज़ तो नहीं आ सकते हैं कि इसे भरा जाए, इसमें काम तो करना होगा वर्करों को ही, नितिन गडकरी जी को ही, कि यहाँ पे लगता ही नहीं है कि रोड में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड हैं। ये हम उत्तर प्रदेश की हम बात बता रहे हैं, नितिन गडकरी जी जो भाजते हैं कि यहाँ से हम 4 लाइन बना दिए, यहाँ से हम 2 लाइन बना दिए। देखिए तमाम गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, अब जाके आ रही हैं जा रही हैं, नहीं तो इससे साइड होकर उधर से जा रही थी। दिख गया कहीं पे छोटा सा गड्ढा, उससे एक्सीडेंट होने की संभावना बन रही है, तो उसमें नितिन गडकरी जी थोड़ी कंकड़ पत्थर डालने आएंगे, आपको ही करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देखते रहिए नागरिक न्यूज़ चैनल, ऐसे ही काम करते रहिए, और हमें देश को आगे लेके जाना है। ये हमारे पैसे से रोड बना हुआ है, हालाँकि अगर हमने टैक्स दिया है तो बना हुआ है रोड, विदाउट टैक्स के तो बना नहीं है। सरकार अपने घर से तो पैसा ला के दे नहीं रही है, हमारे जेब से जा रहा है, हमारे जेब से जा रहा है, हमारे जेब से गया है पैसा, हमारे लोगों से गया है पैसा, तमाम भारतवर्ष के लोगों से गया है पैसा, तब यहाँ पे रोड बना हुआ।